नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया खबर लाइव में। खबर है गुजरात के नर्मदा जिले से। जी हां, नर्मदा जिले में भारी बारिश होने के कारण गरुड़ेश्वर सेवा सदन की दीवार धराशायी हो गई। हालांकि यह नई बनी हुई कचहरी का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ था और सीजन की पहली बारिश से ही यह दीवार टूट गई। आपको बता दें, नर्मदा बांध को देखने के लिए हजारों प्रवासी यहां पर आते हैं और यह मेन रोड से गुजरते हैं। वह लोग इस धराशायी दीवार को देखकर चौंकन्ने हैं। प्रस्तुत है नर्मदा गुजरात से इंडिया खबर लाइव संवाददाता गौतम व्यास की एक रिपोर्ट। गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में पिछले चार दिनों से भारी बारिश हो रही है। इस भारी बारिश के कारण केवड़िया कॉलोनी के आसपास के कई विस्तारों को बहुत ही नुकसान पहुंचा है। आज हम आए नर्मदा जिले के गरुड़ेश्वर सेवा सदन कचहरी में। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर जो ये सेवा सदन कचहरी जो बनी है उसकी जो दीवार है वो भारी बारिश के कारण धराशायी हुई है। और यहाँ पर अभी तो ये सेवा सदन कचहरी नई बनी है, अभी तो उसका उद्घाटन भी बाकी है। और यहाँ पर एक बात तो पक्की है कि जो जिस कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ पर ये जो काम किया है वहाँ पर उसने ठीक तरह से काम नहीं किया। कॉन्ट्रैक्टर की भी काफ़ी लापरवाही बाहर आई है। हालांकि यहाँ पर हमारे गरुड़ेश्वर के तालुका विकास अधिकारी ने भी इस काम में सही तरह से ध्यान नहीं दिया हो, ऐसा जानने को मिला है। और यहाँ पर हमारी गुजरात सरकार विकास के लिए कई सारी ग्रांटें यहाँ पर मंजूर करती है, लेकिन यहाँ पर सरकार के सरकारी अधिकारियों द्वारा ग्रांट का सही तरह से उपयोग न होने के कारण ऐसी मुसीबतें आती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो मेन रोड है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी और नर्मदा डैम की ओर जाता है, जहाँ पर हजारों प्रवासी यहाँ पर नर्मदा डैम और स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए आते हैं। और ये लोग भी ऐसी घटना को देखकर वो लोग भी चौंकने हो गए हैं। इंडिया खबर लाइव से मैं गौतम व्यास, गुजरात।